गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो स्केटिंग लेसन के ऊपर होने वाली है, हाउ टू लर्न इनलाइन स्केटिंग पावर स्लाइड। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि आप अपने स्केट से पावर स्लाइड ब्रेक को किस तरीके से मार सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं रोड की तरफ। मैं रोड पर तो खड़ा हूं, लेकिन हां यहीं पर सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त को एक मस्त वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में वॉइस ओवर नहीं करूंगा, इसलिए इसी वीडियो में बता देता हूं। अगर वो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक देना, आपको मजा आ जाएगा कसम से, क्योंकि वो वीडियो मैं बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बनाने वाला हूँ। 15 अगस्त के दिन आपको वो वीडियो मिल जाएगी और ये वीडियो आज ही मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप पावर स्लाइड ब्रेक को सीख सकते हैं। तो चलो लेट्स गो। तो गाइस, पावर स्लाइड ब्रेक को सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पैरों की मूवमेंट क्या रहने वाली है। तो चलिए आप इस तरफ चलोगे और अपने लेफ्ट वाले पैर को उठा के कुछ ऐसे रखोगे और राइट वाले पैर को उठा के कुछ ऐसे रखोगे। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा फास्ट में करना है और थोड़ा सा जंप लेके करना है कुछ इस तरीके से। और इस चीज को आपको काफी बार प्रैक्टिस करना है कुछ इस तरीके से, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। और इस चीज को आपको तब तक प्रैक्टिस करना है कि जब तक आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से ना करने लग जाओ। और इस चीज को आप सिंपली सड़क के किनारे जो घास वाला एरिया होता है उसमें करना, क्योंकि अगर आप रोड पे करते हो तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और आप गिर भी सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको थोड़ा सा जंप लेना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और उसके बाद अब हम आ जाएंगे रोड पे। तो रोड पे आने के बाद भी हमें सेम यही चीज करनी है, थोड़ा सा जंप लेना है, राइट वाले पैर को कुछ इस तरीके से रखना है। और इसको करते समय आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन आप कर लीजिएगा, क्योंकि स्केटिंग सीखते समय थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। तो गाइस, जब आपकी इस तरीके से पावर स्लाइड लगने लग जाए, उसके बाद अब आता है मेन ट्विस्ट। अभी तक तो आप पावर स्लाइड ब्रेक को लगाना सीख रहे थे, अभी आप बेहतरीन तरीके से पावर स्लाइड को नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया वैसे नहीं लगती है। अब जो बताने वाला हूं मैं, उस तरीके से लगती है, क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो आपको मैंने इसलिए बताया था कि अगर आप बिगनर हो तो किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो पावर स्लाइड ब्रेक को लगाने की। और जब आप इस तरीके से शुरुआत करोगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से अच्छी भी पावर स्लाइड लगाने लगोगे। तो अभी तो आपको जैसे मैंने बताया, वो आपको अच्छे से जब प्रैक्टिस आ जाए उसके बाद अब मैं बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से पावर स्लाइड ब्रेक को किस तरीके से लगा सकते हो। अभी तक मैंने आपको बताया था कि आपको जिस तरीके से जंप करना है और पैरों को ऐसे रखना है, लेकिन यहाँ पर अब मोमेंट क्या आने वाला है। अब आपको जंप करके पैर को नहीं रखना है, आपको सिंपली मैं बताता हूँ, आपको सिंपली कुछ इस तरीके से चलना है और पैरों को घुमाना है। ये इस तरीके स्लाइड होगा और ये कुछ इस तरीके स्लाइड होगा, मतलब आपको जंप नहीं करना है, अब आपको स्लाइड लेना है पैरों को। देखो मैं कुछ इस तरीके से आया और यूं करके मैंने कुछ यूं स्लाइड किया। तो ये चीज को मैं आपको फास्ट में करके दिखाता हूँ और मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस चीज को कैसे करेंगे। गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश, मैं डांस क्यों कर रहा हूँ यार, मतलब मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया कि आप पावर स्लाइड ब्रेक को किस तरीके से लगा सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो बेझिझक, और मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, आपका भी जरूर से जरूर दूंगा। और एक खास बात गाइस, 20K पे एक गिवअवे वीडियो आने वाली है, तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भी कुछ मजेदार मिल सके। एंड बाय बाय।